नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे आज के इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं एयर एशिया की तरफ से नई अपडेट देने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाले कोई भी लेटेस्ट एविएशन अपडेट आप मिस ना कर सको। दोस्तों, एयर एशिया के बॉस टोनी फर्नांडिस ने एक स्वतंत्र जाँच से साफ होने के बाद अपने पद पर लौट आए हैं। आपको बता दें, मलेशियाई वाहक ने शुक्रवार को कहा कि 4 बिलियन के एयरबस ग्राफ्ट घोटाले के बीच कदम रखने के बाद एयर एशिया के संस्थापक और सीईओ फर्नांडिस और कार्यकारी अध्यक्ष कमरुद्दीन मेहरून ने पिछले महीने एयरबस की यूरोप में एक अदालत में मामला निपटाने के बाद अपनी भूमिका छोड़ दी और आरोप लगाया कि विमान निर्माता ने अनुबंध जीतने के लिए रिश्वत दी थी। बता दें, उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया, लेकिन मामले की जांच की जा रही थी। एयरबस के मामले को निपटाने के लिए नियामकों में करीब 4 बिलियन का भुगतान करने में सहमति व्यक्त की थी, लेकिन इस घोटाले को ब्रिटेन के सीरियस फ्रॉड ऑफिस SFO ने कथित तौर पर शामिल किए गए कई एयरलाइनों के नाम जारी करने का रोशन किया था। फिर उसके बाद एयर एशिया और उसकी लंबी इकाई एयर एशिया एक्स शामिल थी, लेकिन शुक्रवार को एक बयान में एयर एशिया ने कहा कि स्वतंत्र समीक्षक BDO गवर्नमेंट एडवाइजरी में पाया गया कि एयरलाइन की विमान खरीद प्रक्रिया मजबूत थी और यहां पर जो फर्नांडिस हैं उन्होंने अपनी वापसी फिर से कर ली है एयर एशिया में। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि फर्नांडिस और कमरुद्दीन Formula 1 टीम के मालिक थे, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वह किसी रिश्वत कांड में शामिल थे। कैसे लगी ये अपडेट आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव, सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस तरह की और भी जानकारी आपको आगे मिलती रहेंगी। मैं हूँ आपका दोस्त विनायक, फिर मिलने की आशा करते हुए अभी के लिए विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन गुरु। जय हिंद, वंदे मातरम।